गर्दिश में तारों का घमंड तोड़ने वाला जमीन का पहला तारा, आज पहला सितारा गर्दिश में सो गया। राजेश खन्ना आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन क्या आप जानते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार जिन्हें बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार का टैग दिया गया, राजेश खन्ना वाज द फर्स्ट टैग सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड इंडियन सिनेमा। उन्हें सुपरस्टार का तमगा, जो कि वास्तव में एक अलग ही स्टारडम था। राजेश खन्ना बॉलीवुड सुपरस्टार, अमृतसर में रहने वाले जतिन खन्ना से राजेश खन्ना कैसे बन गए, उनकी स्टार बनने की जर्नी को आज हम यादों के पन्ने से खोलकर आपके बीच एक कहानी की तरह रखेंगे। राजेश खन्ना एक टैलेंट हंट विजेता बनकर फिल्मों में आए थे, और उस जमाने में राजेश खन्ना ने फिल्मों में जगह तब बनाई जब दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर जैसी त्रिमूर्ति पूरी तरह छा गई थी। यूनाइटेड प्रोड्यूसर ने टैलेंट हंट कंपटीशन कराया और 10,000 लोगों में से केवल काका यानी कि राजेश खन्ना चुने गए, और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में राजेश खन्ना की शुरुआत आखिरी खत, बहारों के सपने, राज जैसी अनोखी फिल्मों से हुई। पर इनके अभिनय को तो सराहा गया, लेकिन इन्हें खास उपलब्धि हासिल ना हो सकी। लेकिन 1971 में इनकी एक फिल्म आई, जी हाँ, आराधना, शर्मिला टैगोर जी के साथ, जो कि शक्ति सामंत जी के निर्देशन में बनी थी। उसने इन्हें रातों रात हर्ष से अर्श पर पहुंचाकर बॉलीवुड का सुपर स्टार बना दिया, रातों रात इन्हें एक स्टार बना दिया। लोगों ने इन्हें खूब पसंद किया, और इन्हें दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद के बाद स्टार कहने के बजाय सुपर स्टार कहने लगे। जी हाँ, 1969 से लेकर 1972 तक 15 हिट और ब्लॉकबस्टर मूवीज देकर काका ने एक सुपर डुपर रिकॉर्ड बना दिया, जो कि माइलस्टोन बन गया। इसके बाद नमक हराम, अगर तुम ना होते, आनंद, अमर प्रेम, सच्चा झूठा और ऐसी तमाम सफल फिल्मों को देकर राजेश खन्ना यानी कि सुपरस्टार काका ने अपनी अलग ही पहचान बनाई। इसके बाद सच्चा झूठा के लिए इन्हें पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। आनंद में, जिसमें इन्होंने कैंसर पेशेंट का रोल किया था, उसके लिए भी इन्हें दूसरा फिल्म फेयर मिला। 14 फिल्म फेयर अवार्ड्स में ये नाम नॉमिनेट हुए। 2008 में इन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 2009 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। 1995 में कला रत्न अवार्ड दिया गया। 2005 में फिर से इनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। टोटल 180 फिल्म की इन्होंने 70 के दशक में किंग ऑफ रोमांस कहे जाने वाले राजेश खन्ना, इनके दिलों पर तो राज करती थी लाखों लड़कियां, पर इन्हें तो कोई और ही पसंद था। आसमान में चमकने वाले दादा, जो कि बन गए हमारे काका, ये तो एक सुपरस्टार ही बनकर आए थे, और सुपरस्टार की तरह आसमान में चमकते हुए सदा सदा के लिए हमारे बीच एक तारे की तरह चमकते रहे, और किंग बॉलीवुड के केवल एक सुपरस्टार राजेश खन्ना।